वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप लोग सभी, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हमारे टोंक ज़िले के अंदर कंपटीशन आ चुका है। यानी जैसा कि पहले मैं खेलने जाता था टोंक चित्तौड़, जहाँ भी हमें खेलने जाता था हर जगह मैं पावर लिफ्टिंग खेलने जाता था। यानी आप जानते हो पावर लिफ्टिंग जो एसोसिएशन होती है उसका वापस आ चुका है। तो हम लोग 5 तारीख को टोंक जा रहे हैं खेलने के लिए। ओनली बेंच पे इसका है और ये प्राइवेट नहीं है, सरकार की तरफ से है और हमारे जो उस्ताद है सिकंदर सर उनके जिम्मे होने वाला है। तो हम लोग तैयारी चल रही है और जो उनियारा टीम है, उनियारा टीम से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। यानी 10-12 बच्चे जा रहे हैं अभी तक। तो 10-12 लड़कों ने बोला है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। देखो कौन कौन जा रहा है। लेकिन पहले मैं अकेले ही जाता था उनियारा से, कोई नहीं जाता था। सबको बोलता चलो चलो तो सब लोग मना कर देते थे, लेकिन अब की बार जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और उनकी तैयारी मैं खुद करा रहा हूँ बेंच प्रेस की। तो आपको उनकी तैयारी की जो हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, तो उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, किसकी कितनी लिफ्ट जा रही है, किसकी कितनी नहीं जा रही है, किसका गोल्ड लगेगा, किसका ब्रॉन्ज लगेगा, वो आपको सब बताएंगे। और टोंक की वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, वहाँ का जो कंपटीशन होता है। टोंक ज़िले की जितने भी टीमें हैं वो सब आएंगी, यानी टोंक ज़िले में जितने भी जिम हैं वहाँ के सब एटलीस्ट आएंगे। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्यों हर कंपटीशन मज़ा आने वाला है। उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन होगा वो जाएगा सीधा चित्तौड़, वहाँ पर होगा 11-12 को वहाँ पर है। तो गाइज़ आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। और यार प्लीज़ अपने भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर नई वीडियो में लाता रहूँगा। तो अगर आपको भी कंपटीशन खेलना है तो प्लीज़ आइए हमारी उनियारा तहसील में, हमारी जिम में, अनोल जिम में। आपको भी कंपटीशन खेलना है, अगर शौक है कुछ बनने का तो आइए मेडल जीतने का। मुझे तो है भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेडल ही पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट सब कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन ये कम है यार, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो आज की वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी हमें जिम जाने वाला हूँ, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि हाथ में घड़ी तो है नहीं लेकिन ऊपर है। 5:30 बजे मैं जिम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जिम मैं ही खोलता हूँ वहाँ पर जाके। तो चलते हैं और आपको ट्रेनिंग भी दिखाएंगे उनकी, मैं ट्रेनिंग कैसे करा रहा हूँ बेंच प्रेस की, टेक्निक भी बताऊँगा कि बेंच प्रेस पे कैसी टेक्निक होती है, इससे आपकी बेंच अच्छी जा सके। लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या इनकी मैं तैयारी करा रहा हूँ, उनकी नॉर्मली बहुत कम जा रही है। किसी का फर्स्ट है, कभी गए नहीं वो लोग कॉम्पिटिशन खेल ले, किसी का सेकेंड बार है। और मेरा तो मतलब मैं बहुत बार जा चुका हूँ, यानी मैं 8-10 बार जा चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का कि वहाँ पर कितने लोग क्या उठाते हैं क्या नहीं उठाते, तो उस चीज़ की मुझे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को मैं बता रहा हूँ वहाँ पे इतनी बेंच जा रही है, तो उस हिसाब से मैं लोग तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन किसी का फर्स्ट है, लगे या नहीं लगे गोल्ड या बेंच कुछ भी, जैसे अभी कोई सा भी मेडल लगे, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल रहता है। अगर कोई सा भी लग गया बहुत अच्छी बात है। उनियारा के अंदर कितने मेडल आते हैं ये मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन ज़ोरों से तैयारी चल रही है भाई, ज़ोरों से। एक ना एक का तो मेडल ज़रूर लाऊँगा मैं, और भाई का तो आएगा मेडल, जिसमें हो दम वो रोक लेना, क्योंकि गोल्ड लेके आएगा तुम्हारा भाई। और मेरे खिलाड़ियों का भी मेडल आएगा, भले 2 या 3 मेडल आए तो उनियारा में मेडल ज़रूर आएगा। तो चलते हैं जिम की तरफ, जब तक लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को फैला देना भाई, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके चलते हैं जिम की तरफ। हमारे 3 जो खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं, अविनाश है, ऋतिक भाई है और राहुल है। इनका वार्म अप सेट चल रहा है अभी, यानी एक एक स्कोर लगा रहे हैं लोग, इनका हैवी चेक कर रहे हैं लोग। अभी हमारे जो राहुल और अभय हैं, 7:30 बजे के बाद ये तैयारी करा हुआ है बेंच की। अभी हमारे राहुल भाई, चलो चलो लगाओ, ये लोग अपना हैवी देख रहे हैं, अपने हैवी कितना जा रहा है। बहुत बढ़िया, देखो अविनाश है,
जिंदगी में कभी जाने नहीं है, ये ऐसे रहेंगे। अब पूरे पांच की प्लेट बढ़ाइए, देखो जाती है यार। चल डबल चल आराम से, अरे बहुत ईजी है। चल 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 चल, एक नंबर। हमारी टीम में सबसे वीक आदमी है अविनाश। सेट खत्म हुआ, अब हम लोग फर्स्ट फर्स्ट स्कोर लगाएंगे, यानी एक ही रेपिड से निकालेंगे और इनका हैवी लूंगा। इनका हैवी कितना ज़्यादा है, हम लोग हैवी लेंगे इन तीनों का, चारों का, मेरा भी हैवी लूंगा। वार्म अप सेट इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो चेस्ट है वो पेन ना हो, इंजर्ड ना हो, तो वार्म अप सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत बढ़िया, रखो। We'll be right back.
सेट सभी के कंप्लीट हो गए हैं, अब चल रहा है तीसरा। हम तीसरे में भी वेट बढ़ा रहे हैं, यानी टोटल हो गया है 60 किलो। हम लोग रोड को नहीं गिनते क्योंकि लोगों के रोड में माइंड में रहता है कि रोड का भी वेट गिना जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में तो वैसे ही गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं गिना था। ये हमारी सबसे अच्छी ट्रिक है, हम लोग 15 किलो ऊपर ही चलते हैं। चलो फाइल 60 किलो ही है, क्योंकि इनके माइंड में क्या है, रोड भी रहती है तो हम लोग रोड को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये बोलते हैं 60 किलो, तो 60 किलो के हिसाब से हम लोग 15 किलो ऊपर ही चलते हैं। चलो नाइल उठा के देना, मक्खन जानी चाहिए, बहुत ईजी। अरे बहुत बढ़िया है यार नाइल, तो ये अविनाश का है तीसरा सेट। चलो अविनाश खींच दे, ज़्यादा है 95 है टोटल, लेकिन रोड प्लेटों से 80 है, तो हमारे रायल भाई लगाएंगे, उनके सपोर्ट के लिए मैं जाना पड़ेगा। अभी से कैमरा पकड़ो आगे, अस्सी किलो विदाउट रोड, वन सेट वन रेप्स। चल चल चल, बहुत तेजी जाएगा, ले लियो ले लियो ले लियो। हमने जितना हमारा गया 80% जो भी है 100% हमने ट्राई किया।